प्रोडक्ट बेचे या प्लान दिखाए। कई सारे लोग बोलते हैं सर हम सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं, हमारी टीम नहीं बनती है। कुछ कई लोग बोलते हैं सर हम सिर्फ प्लान दिखाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होता, तो क्या करें? एक लीडर को प्रोडक्ट दिखाना चाहिए या फिर प्लान दिखाना चाहिए? आज इस टॉपिक पे बात करते हैं और पूरी तरीके से मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि आपको प्रोडक्ट दिखाना है या प्लान दिखाना है। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सवाल ही गलत है कि प्रोडक्ट बेचे या प्लान दिखाए, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग नहीं है। आप बिना प्रोडक्ट बेचे नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते और बिना प्लान दिखाए यानी कि अपॉर्चुनिटी दिखाए बिना भी आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। दोनों काम करना है, तो सवाल ये होना चाहिए कि कौन सा काम कब करना है और क्यों करना है। पहले दोनों चीजों को समझिए कि जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, मान लीजिए एक लीडर है, मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मैं प्रोडक्ट सेलिंग करता हूं, मैं किसी को प्लान दिखाता नहीं हूं यानी कि अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाता हूं। प्रोडक्ट लेने के बाद जब प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ता है, जब वो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, उसके बाद वो बिजनेस भी कर सकता है, उस चीज को मैं हाईलाइट नहीं करता हूं, थोड़ा बहुत बताता हूं, लेकिन आगे मैं प्रोडक्ट को रखता हूं और प्रोडक्ट के गुणगान गा के अगले व्यक्ति को प्रोडक्ट देके डिस्ट्रीब्यूटर बना देता हूं, फिर उसके बाद उसे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करता हूं, फिर दूसरा प्रोडक्ट यूजर, तीसरा, चौथा, सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा कि आगे जाके मैं सेल्समैन बन जाऊंगा, मेरे पास 50-100 लोग प्रोडक्ट लेने वाले होंगे और 100-150 लोग प्रोडक्ट लेंगे, उससे मुझे कुछ इनकम भी होगी, हो सकता है 15-20-25 हज़ार रुपया, लेकिन एक दिन मैं थक जाऊंगा कि यार इतने लोगों का कुरियर बॉय बनते बनते मैं थक चुका हूं और मैं ये करने के लिए तो आए नहीं थे नेटवर्क मार्केटिंग में, तो ये रास्ता गलत है। दूसरा है कि मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूं, प्रोडक्ट को हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, प्रोडक्ट का मूवमेंट नहीं कर रहा हूं। इससे क्या हो रहा है, कुछ लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं लेकिन जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं ना वो भी अपॉर्चुनिटी प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं स्किल्ड आदमी हूं, मेरे साथ जुड़ने वाला लोग स्किल्ड नहीं है तो वो लोगों को ज्वाइन नहीं करा पा रहे। इससे क्या हो रहा है कि मेरा जो टीम है वो एक सीमा में चल रहा है, एक सीमित टीम चल रहा है, मेरा बिजनेस का ग्रोथ नहीं हो रहा है क्योंकि टीम है लेकिन बिजनेस वॉल्यूम नहीं है। लोग प्रोडक्ट को प्रमोट भी नहीं करते और खुद भी इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए लोग आ चुके हैं लेकिन वो बहुत कम लोग हैं और वो जो लोग आने का प्रोसेस है वो बहुत धीमा हो चुका है। तो इसको कैसे सोल्व करें? तो सबसे पहले कुछ फंडामेंटल समझिए कि जब आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तो आपको यूजर मिलते हैं जो प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आते हैं, और जब आप बिजनेस प्रमोट करते हैं तो आपको काम करने वाले लोग मिलते हैं जो आने वाले समय में जाके लीडर बनेंगे। लेकिन ये जो यूजर है ना, ये भी लीडर में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ, हर यूजर कन्वर्ट नहीं होगा, आपकी टीम में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं, लीडर नहीं बनना चाहते, तो आप उनको प्रोडक्ट दीजिए, आप उनको हल्का हल्का सा इन्वाइट करते रहिए कि आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, अगर वो इंटरेस्टेड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उनको यूजर में से खत्म मत कीजिए, आप उनको यूजर बना के रखिए क्योंकि आपको बिजनेस वॉल्यूम भी चाहिए जिससे आपको और आपकी टीम का पे आउट आएगा। तो यूजर बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है और कुछ लोग डायरेक्टली बिजनेस करने के लिए आते हैं। अब यहां पे आपको दोनों ही लोग चाहिए, आपको यूजर भी चाहिए और आपको लीडर भी चाहिए। देखिए आप एक चीज समझिए, जब एक पहाड़ होता है, एक माउंटेन होता है ना, उस माउंटेन में 90% रेत होती है, मिट्टी होती है, 10% स्टोन्स होते हैं यानी कि पत्थर होते हैं, 10% ही पत्थर होते हैं, 90% मिट्टी होती है, लेकिन वो जो 10% पत्थर है ना वो 90% मिट्टी को जकड़ के रखे है और एक पहाड़ का निर्माण होता है। बिल्कुल उसी हिसाब से कि जब आपकी टीम में 10-20-30 यूजर हो गए, उसके ऊपर 1-2 लोग 5 लोग लीडर भी हो गए जिस बिजनेस को एक प्रोफेशन के रूप में करते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं और यहाँ पे इनकम भी करना चाहते हैं और आगे जाके इस बिजनेस को एज ए करियर भी लेते हैं। तो आप करें तो करें क्या? आपको लगता है मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। जब आप होम मीटिंग करते हैं, जब आपके सामने भीड़ इकट्ठा होती है, तब आप प्रोडक्ट को आगे रखे बिजनेस दिखाइए। इससे क्या होगा कि पहले लोग प्रोडक्ट लेंगे और होम मीटिंग में जितने लोग आएंगे उसमें से ज्यादातर लोग आपके साथ कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर आगे जाके आप उनको बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। लेकिन जब आप 1-to-1 मीटिंग करते हैं, जब आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है, तब आप सीधा ही उन्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाइए, आप टारगेट कीजिए कि वो पैसा कमाने के लिए आपके साथ जुड़े। ये दो चीज आपको दिमाग में रखनी है, होम मीटिंग में आप प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए और 1-to-1 में आप जहां पे लोगों के सामने बैठ के प्लान दिखाते या सेमिनार टाइप की कोई चीज है तो वहां पे आप अपॉर्चुनिटी को और अर्निंग्स को हाईलाइट करके लोगों को बिजनेस में लेके आ सकते हैं। लेकिन फाइनली आपके सवाल का जवाब कि ज्यादातर क्या करना चाहिए, मेरा मानना है कि 80% टाइम आपको अपॉर्चुनिटी प्रमोट करने में लगाना चाहिए, आपको नए लीडर ढूंढने में 80% टाइम लगाना है, 20% टाइम जो है वो प्रोडक्ट सेलिंग में और नए यूजर बनाने में आप लगा सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।